गांधीनगर से भोजन के बाद लगभग 1 बजे हम लोग नैनीताल के लिए रवाना हुए। गुजरात के बेहतरीन रास्तों से होकर के राजस्थान में पहुंचते ही ये, और फिर ये है यहाँ की बहुत फेमस रबड़ी। अंदर हमने कचौड़ी खाई, सुपर क्वालिटी का। कौन सा? सुपर क्वालिटी। अच्छा, सोजत की सुपर क्वालिटी। ये है दूध, इसमें फिर केसर दूध। इसमें ये सब क्या फैनी में नहीं मिलाया जाता है? ये फैनी मिलाया जाता है। और आप भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सरवण है। सरवण, अच्छा बेटा ये लो। पूरी रात ड्राइविंग के बाद दिल्ली पास कर दिया, गाजियाबाद भी पास कर दिया। रात को 1-1.5 घंटे के लिए सो गए थे, लेकिन ये सिंगल रास्ता जो है, यहाँ काफ़ी जगह पर टूटी हुई सड़क, IIM काशीपुर का भी रास्ता बीच में कभी आया था, और जस्ट पहले पहुँचे कॉर्बेट फॉल। ये नैनीताल के 40 किलोमीटर पहले है। आवाज़ सुनिए। नैनीताल से 40 किलोमीटर पहले का ये कॉर्बेट फॉल शायद बहुत अंडररेटेड और लेस विजिटेड जगह है। बेहद खूबसूरत, साफ पानी, जल की जो आवाज़ है वही एकदम मनभावन है। इसको देखने के बाद हमने लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ रुके और फिर पहुँचे नैनीताल। नैनीताल में TRH के अंदर चेक इन करने के बाद थोड़ा लेक के बाजू में जाके आराम किया, मज़े किए, और फिर नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट, वह भी TRH के अंदर था, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल लिए अल्मोरा के लिए। यह अल्मोरा का रास्ता है। अल्मोरा करीब 60-70 किलोमीटर है। रास्ते में कैंची धाम आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। रास्ते में एक हनुमान मंदिर दिखा, जो इस तरफ से ऐसा दिखता है। अल्मोरा के अंदर चेक इन के बाद बाहर अब वॉकिंग कर रहे हैं। ये है अल्मोरा की मेन सड़क, या एकमात्र सड़क जो बोल सकते हैं, जिससे पास होते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहाँ पर मल्टीप्लेक्स है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि दृश्यम और अवतार चल रहा है। रिलायंस ट्रेंड्स का बड़ा सा शोरूम है, पेंटालूंस है, तो काफ़ी डेवलप्ड जगह लग रही है। और पहाड़ी सौंदर्य तो है ही। यह ट्री जो है ये बहुत बढ़िया वाला है, कुछ तो अलग लग रहा है। और ये सड़क आगे ऋषिकेश और भारती चलते हुए एकदम शांत सा शहर। ऑटो के लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखेंगे, छोटी बच्ची अकेले घूमते हुए, थार। तो ये आ गया आपका शॉपिंग मॉल, जिसका पार्किंग छत पे है। सीधा जी छत पे ले जाइएगा। और डोमिनोज है, तो कुछ भोजन किया जाए, फिर मिलते हैं। अच्छा, मोती महल भी है यहाँ पर, दिल्ली वाला, तो शायद उसमें ही भोजन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। शॉपिंग मॉल में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे से भोजन किया, और उसके बाद हम नज़दीक में रामकृष्ण कुटीर पे पहुंचे। एकदम शांत है। बड़े महाराज से मिलने का प्लान करेंगे यहाँ पर, तो बेशानंद जी है यहाँ पर, तो देखते हैं। और अगर मौका मिला तो एक दिन यहाँ रह भी सकते हैं, देखते हैं बच्चे का और हमारे धर्मपत्नी का क्या ख्याल है। यहाँ स्वामी शिवानंद कुटीर, तो शिवानंद जी भी यहाँ आए होंगे और यहाँ रहे होंगे। ये रामकृष्ण कुटीर, जहाँ विवेकानंद,
रामकृष्ण और शारदा माँ का फोटो है। एकदम शांत जगह, शांति डिफॉल्ट होती है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम लोग बाहर निकले। ये शाम का नज़ारा अल्मोरा के ऊपर से। शाम को हम वहीं पर जा पहुँचे जहाँ सुबह हमने खाना खाया था। तो खाना खाने के बाद रात को TRH में रुके और नेक्स्ट डे सुबह बहुत बढ़िया नज़ारे के साथ अच्छी सुबह की शुरुआत। और फिर ये अल्मोरा की सुबह, 3 डिग्री टेम्परेचर। ये कोई बारिश नहीं हुई है, आई थिंक इट्स ऑल प्रेसिपिटेशन। बंदर पूरे मजा करते हुए। आई थिंक रिस्की है यहाँ रहना चाहता। वहां हमारी धन्नो पड़ी है ब्लैक कलर की। उस दिन सुबह TRH से चेकआउट करने के बाद हम नंदा देवी दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अच्छे दर्शन हुए और फिर नीचे उतर गए। नंदा देवी जाने के लिए जैसा छोटा सा एक सड़क है, ऊपर पैदल ही जाना पड़ता है। गाड़ियाँ वगैरह नीचे रखनी पड़ती है, जो कि हमने रखा दिए। वहाँ 120 रुपये का शुल्क है जो भर के आप अपनी गाड़ी। श्री शारदा मठ अल्मोरा से 16 किलोमीटर आगे, जहाँ कसार देवी का मंदिर है, वहीं पर बहुत ही सुंदर छोटा सा सेटअप। एक दिन पहले शारदा माँ का जन्म दिवस होने के कारण हमें वहाँ की प्रसादी दी गई, जो हमारे लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बन गया। तो ब्रेकफास्ट करके हम बाजू में ही कसार देवी टेम्पल पर निकल लिए। माना जाता है कि कसार देवी टेम्पल इज पोजिशन ऑन अर्थस वेन एलन बिल्ट। यह रीजन के आजू बाजू में इनॉर्मस जियोमैग्नेटिक फील्ड है, थैंक्स टू गैप्स इन द बैंड्स ऑफ रेडिएशन। एज अ रिजल्ट, कसार देवी इज ऑल्सो शेयरिंग ए कॉस्मिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ स्टोनहेंज इन UK एंड मच्चू पिच्चू इन पेरू। कसार देवी मंदिर के सामने छोटा सा ट्रैक, शायद हाफ एक आध किलोमीटर जाता होगा, हमने ट्राई नहीं किया। वह कसार देवी का मंदिर नीचे अल्मोरा। कसार देवी के बाद हम बिनसर होते हुए चकोरी के लिए निकल लिए और रास्ते में एक ढाबे पे खाने के लिए रुके। बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना था। तो देखते हैं क्या खाया। हाँ जी, क्या क्या खिलाया आप बताइए। आपको दाल खिलाई। दाल, हाँ, उसमें क्या क्या, 2-3 दाल मिक्स थी ना। जी जी। अच्छा, और उसके बाद आपको सलाद दिया मूली का, प्याज का। मूली और प्याज का। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने आपको भांग की चटनी खिलाई। अच्छा, वो पहाड़ों में मशहूर होती है। अच्छा, भांग की चटनी। हाँ। वो पहाड़ों वाली। हाँ। अच्छा, और चपाती खिलाई। अरे वाह, बढ़िया है, एकदम मजा आ गया। लंच के बाद हम चकोरी के लिए रवाना हो गए। और यह रास्ते देखिए, एकदम टेढ़े मेढ़े। पिंडारी ग्लेशियर के लिए भी बॉर्डर आना शुरू हो गया। लैंडस्केप एकदम से बदलता हुआ, नीला आसमान, लंबे पेड़। बीच में गाड़ी रोक करके हमने बहुत फोटो की ग्राफी करी और पहुंचे चकोरी। चकोरी हिमालयन प्लेटो के लगभग फुटहिल्स पे, बेहद खूबसूरत जगह। यहाँ TRH में चेक इन करने के बाद शाम का भोजन भी वहीं पर किया। ये शाम के कुछ नज़ारे हैं। ये जितने भी पहाड़ दिखते हैं, सारे बर्फ़ से ढके हुए। फोटोग्राफ्स, कैमरा, कोई भी इसकी खूबसूरती को कैप्चर किसी भी तरह से नहीं कर सकता है। ये सारे टेंट है जहां हम नहीं रुके थे। स्टेड इन द मेन बिल्डिंग, ये TRH गेस्ट हाउस। बहुत ही सुंदर सेटअप। और ये सुबह के नज़ारे, यहां पर गोल्डन किरणें, गाड़ी के ऊपर बर्फ, और ये शानदार नज़ारे। वहाँ इन्होंने कुछ फूल भी उगाए थे जो इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे।
थोड़ी फोटोग्राफी तो करी, धूप आई तो गाड़ी को भी सोचा कि थोड़ी धूप खिला देते हैं, तो गाड़ी में भी हल्की सी धूप चल गई। उसके बाद हम लोग मुंशियारी की तरफ निकल लिए। बादलों से बहुत ऊपर थे हम लोग यहाँ पर, जो किसी भी तरह से यहाँ कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष उसका आनंद लिया था। थोड़ी देर बाद रुकने के बाद आगे चल दिए तो रास्ते में यह एक नदी, इसकी आवाज़ सुनिए। एकदम साफ सुथरा पानी, स्वच्छ हवा, आप लग गया कि ऑक्सीजन ले रहे हो। क्लियर वाटर हैज़ अ न्यू डेफिनेशन। यह है बिरथी फॉल। पूरा जहां तक नजर जाता है और ये खुला आसमान। यहाँ पानी नीचे एकदम साफ सुथरी छोटी सी झील बनाते हुए, और वहाँ से आपको गाड़ी पार्क करके आना है। ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, नॉट दैट डिफिकल्ट। हमारे सुपुत्र यहाँ पर है और हमारी धर्मपत्नी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि हाफवे में बोले कि हम लोग यहाँ ठीक है। यहाँ स्कूल के बच्चे, एग्ज़ाम ख़त्म हुई लगती है तो फोटोग्राफी का सेशन चल रहा है। वहाँ नीचे भी कुछ दो लोग हैं जो एकदम डांस पोज में बढ़िया से फोटो लेते हुए। बस यही मस्ती माहौल है, किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं। वक्त जैसे ठहर ही गया, घड़ी देखे तो पता चलता है कि भैया हाँ 20 मिनट हो गए। क्लाइंब डाउन एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कंट्रोल बहुत रखना पड़ता है पैरों का, जो कि अपना है नहीं अभी। बट फिर भी सबसे मज़े वाली जो बात है वही है पानी की आवाज़। अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि पानी की आवाज़ ही इतनी मज़ेदार है, मैं क्या बताऊँ। बट आई थिंक 200 से 300 मीटर के आसपास क्लाइंब होगा, जो बच्चे तो आराम से चढ़ जाते हैं। थोड़ी उम्र है और घुटनों का दर्द है तो शायद यह मुश्किल। मुंशियारी से लगभग 20 किलोमीटर पहले ये कालामुनि करके माउंटेन पास है, तो हम लोग बहुत दूर से, यहाँ से शायद पता नहीं दिखती, लेकिन पिछले 20-25 किलोमीटर से तो चला ही रहे ऐसे। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ से आए हैं, और ये चढ़ते 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 ऐसे पूरे हेयरपिन बेंड्स, और ये माउंटेन जी हाँ। और यहाँ पर आपका नाम वाचमी मैगी पॉइंट। यहाँ पर चाय पिया हमने, बढ़िया मसाले वाली,